हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो जी देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी डिमांड कई दिनों से चल रही है कि सर हाउसिंग बोर्ड का बताओ क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो देखिए, हाउसिंग बोर्ड आवासन मंडल में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रखी है और आपने भी न्यूज कटिंग पढ़ ली होगी। मैं कोई ज्यादा बड़ी अपडेट नहीं देने वाला हूँ क्योंकि न्यूज पेपर में कई कई समय से छप रहा था ये, बट फाइनली वो समय अब नजदीक है जिसके लिए ये वैकेंसी रेडी है। मतलब तो हाउसिंग बोर्ड में वैकेंसी आ रही है, मैंने 2023 पहले लिख दिया है क्योंकि मुझे ये उम्मीद तो नहीं है कि दिसंबर में आएगी। ठीक है, ये जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। बजट से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो काफी समय से लटकाई हुई थी। ठीक है, तो बजट से इसका कोई लेना देना नहीं होने वाला है। 311 पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है जिसमें कुछ ऑफिसर्स की पोस्ट है। ऑफिसर्स की पोस्ट आगे बढ़े उससे पहले बता देता हूं कि भैया हम इसके अलावा ईओआरओ और बहुत सारी वैकेंसीज की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट टाइप, एफसीआई अकाउंटेंट। ठीक है, और सहकारी भर्ती जिसमें सहकारी मैनेजर की पोस्ट आपके लिए गोल्डन पोस्ट है, तो चूकना मत। ठीक है, तो देखो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देख ही ली होगी, अखबार की कटिंग है और ये भी मैंने इंटरनेट से ली है। ठीक है, तो देखिए हाउसिंग बोर्ड में 258 पदों पर तो एजेंसी ढूंढ रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर 311, ये तो 258 की बात कर रहे हैं। तो देखिए बाकी जो पद है ना वो आरपीएससी ले रही है। ठीक है, वो आरपीएससी ले रही है और बाकी 258 के लिए ये लोग एजेंसी हायर कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलिए जनवरी या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि 30 दिसंबर तक तो ये क्या है, इन्होंने समय दिया एजेंसी के लिए टेंडर के लिए। तो कुल मिला के मान के चलिए जनवरी एंड में या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा और इसका एग्जाम आप मान के चलिएगा मार्च एंड में या अप्रैल तक होगा। ठीक है, और आपको भी पता है एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है इसका और मोटा मोटा आईबीपीएस ही करवाएगा या टीसीएस करवा लेगा ज्यादा से ज्यादा, जिसके संभावना लग रही है। अब इसमें सर कौन कौन सी पोस्टें आ रही है तो मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपके लिए देखिए जिस पे हमारा फोकस है वो दैट इज जूनियर अकाउंटेंट। 50 पोस्टें जूनियर अकाउंटेंट की हैं जिसके ऊपर मैं इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। 50 जूनियर अकाउंटेंट लगा रहे हैं ये, क्योंकि देखिए हम तो क्या है, जूनियर अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट के साथ अटैच्ड हैं। 50 जूनियर अकाउंटेंट आने वाले हैं, 50 जूनियर असिस्टेंट है, इसकी तैयारी भी हम लोग करवाएंगे। सूचना सहायक 6 प्रोग्रामर, 18 सूचना सहायक, 34 टाउन प्लानिंग शाखा। ठीक है, ये वैकेंसी आने वाली है और बाकी बाकी जो पोस्टें हैं वो क्या आएंगी, 53 पोस्टें आरपीएससी लेगा। कुल मिला के बात ये 30 साल बाद वैकेंसी आ रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये पोस्टें तो बता दी आपने, ठीक है, अब ये बता दो कि भैया वैकेंसी कब आएगी। तो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया, फेब में कम से कम मुझे लगता है ये वैकेंसी आएगी, जनवरी का भी एंड हो जाएगा या फरवरी की बिगनिंग में आ सकती है। कितने पदों पर आएगी ये मैंने आपको बता दिया, 50 जूनियर अकाउंटेंट के पद हैं, ठीक है, और 50 वो असिस्टेंट के पद हैं। एलिजिबिलिटी क्या रह सकती है ये बता दो। तो देखो भैया एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं, आजा भैया देखिए ये मैंने इनके रूल से निकाली है, तो एज मैंने इनकी साइट से निकाला है तो 18 साल मिनिमम लिखी हुई है और 35 साल लिखी हुई है, जिसमें मुझे लगता है ये 40 कर देंगे बढ़ा के, क्योंकि पहले ये 35 साल होती थी, अब राजस्थान में 40 होती है, तो मान के चलना 35 तो है ही है, 40 कर दिए जाएगी। अभी तक इनके रूल्स में 35 ही लिखा हुआ है, जब ये वैकेंसी निकालेंगे तो रूल्स को एक बार नजर जरूर मारेंगे। ठीक है, 18 साल मिनिमम एज यहां पर रखी गई है और बाकी रिलैक्सेशन तो रहता ही है जो आपको पता ही है। ठीक है, अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सबसे पहले उसको समझ लीजिए, मेन वही है कौन अभी तक, मैं वापस से बोल रहा हूं अभी तक, ठीक है, बीकॉम जिसके पास साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी पब्लिक कंपनी में या किसी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में, जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी कोई रेप्यूट हो, मतलब वैल्यू हो। सेम ऐसे ही चीज आपने डेयरी के एग्जाम में जब मैंने आपको बताई थी तब की होगी, या फिर एक्सपीरियंस भूल जाएंगे ये लोग अगर आपके एमकॉम में सेकंड क्लास आई हुई है। बहुत सारे लोगों ने एमकॉम तो किया ही होता है, उसमें अगर सेकंड डिवीजन है तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, पर इन्होंने लिखा कि फर्स्ट डिवीजन वाले को प्रेफरेंस हम करेंगे। भैया अब क्वेश्चन आया था एक स्टूडेंट का, सर इसमें तो लिखा हुआ है फर्स्ट डिवीजन वाले को प्रेफरेंस देंगे, तो कुल मिला के आप ऐसी बात समझिए, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, और फर्स्ट जिसकी फर्स्ट डिवीजन है उसके मार्क्स अच्छे नहीं है, तो प्रेफरेंस तो आपको मिलेगी,
ये कब होगा? जब इक्वालिटी आएगी, जब दो लोगों में से चुनना हो, जब समान हो हर लेवल, तो वहां पे फिर वो देखेंगे कि फर्स्ट डिवीजन किसकी थी। समझ रहे हैं आप? जब आपके मार्क्स ही ज्यादा आ गए तो वहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस मार्क्स ज्यादा वाले को मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी। अगर आपके पास एमकॉम है तो एक्सपीरियंस भूल जाएंगे, सेकंड क्लास कम से कम होनी चाहिए ना, 45% से ऊपर वाला। और अगर बीकॉम है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अच्छा सर, अब सिलेबस के बारे में अब चर्चा मैं आपको बता देता हूं। ये भी क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं। देखिए, जब इस तरह की एलिजिबिलिटी आती है, सिर्फ बीकॉम टाइप का पूछा हुआ है, तो आप मान के चलिएगा कॉमर्स का सिलेबस तो आएगा ही आएगा। कॉमर्स कौन सा? वही टैक्स, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड है तो इनकम टैक्स वगैरह पूछेगा, ठीक है? आजकल इनकम टैक्स, जीएसटी, कोस्टिंग, एफएम, इस तरह के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। और साथ में कॉमन सब्जेक्ट ये वो डालते ही डालते हैं, आपको पता राजस्थान का जीके वैकेंसी है तो राजस्थान का जीके तो उन्होंने घुसाना ही है। तो इस तरह के कॉमन सब्जेक्ट के साथ ये आपको इनकम टैक्स वगैरह पूछेगा, क्योंकि 30 साल बाद एग्जाम हो रहा है तो इसका कोई अभी तक डेटा नहीं है, ठीक है? 30 साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो आप ये समझिए ना सिलेबस के बारे में। और जो इनके रूल्स हैं, मैंने रूल्स भी टेलीग्राम पे डाल दिए, आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो सारे नियम मैंने डाल दिए वहां पर। अभी इसके बारे में सिलेबस एजेंसी को तय करना है। तो सिलेबस आप मोटा मोटा मान के चलिएगा कि इसका कॉमर्स की वैकेंसी टाइप का ही रहने वाला है, ठीक है? अच्छा, एग्जाम कब तक हो सकता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एग्जाम इसका मुझे जो लगता है कम से कम मार्च एंड या अप्रैल तो रहेगा रहेगा, ठीक है? तो उससे पहले तो होने का कोई भी चांस नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप कोई और वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट टाइप, कोऑपरेटिव, ईओआरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त ये सतीश अनेजा, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी अगर आप चाहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।